आज का जो स्पेशल है वो है चिकन मंदी। और ये जो मंदी है वो भिवंडी वाली मंदी नहीं है, ये स्पेशल मंदी है जो अरेबियन डिश है और ये केरला में बहुत ही फेमस डिश है। तो ये हम अभी यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ और ये हम एक बार ट्राई कर चुके हैं और बहुत ही बढ़िया था, तो इसके लिए दोबारा ट्राई कर रहा हूँ और मैं भी देख रहा हूँ कि कैसे ये बनता है। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसको चिकन मंदी बोलते हैं केरला में। देखो इसको देखो। तो ये है हमारा स्पेशल डिश चिकन मंदी। बैटरी नहीं है इसके अंदर। बैटरी जो है चार्जिंग पे है, ये सिर्फ जो है अभी एक्टिंग कर रहा था मैं। कल मैं इतना बोर हो रहा था रात को कि सोचा कि करना क्या है, फिर मुझे याद आया कि अपने पास तो एक DSLR पड़ा है जो अभी तक यूज किया ही नहीं है। शाकिब था तो थोड़ा उसको यूज भी करता था, तो पहले ये इधर था, फिर शाकिब मेरे को कुछ काम था नहीं तो शाकिब बोला उधर कतर भेज दे, तो कतर गया। जब कतर से शाकिब रिटर्न आ रहा था तो ये वापस कतर से वापस लेकर आ गया और अब ये ऐसे ही पड़े पड़े धूल खा रहा था इतने टाइम से। तो मेरे को अभी याद आया कि इसको यूज़ करने का टाइम आ गया है, लेकिन इसको यूज़ भी करो तो अभी ऑडियो जो है क्लियर आएगा नहीं क्योंकि माइक जो है फिट नहीं है। तो मुझे माइक लेना है अभी, अब ये आएगा काम में। माइक फिट करने के बाद मैं उसको यूज़ करूँगा। फ़िलहाल के लिए अभी सिर्फ फ़ोटो शूट करूँगा और वैसे तो इसको कैसे वीडियो निकालते हैं ये सब मुझे पहले सीखना पड़ेगा, फिर इसके बाद में इसका यूज़ होगा। तो अभी जब तक माइक नहीं आ जाता तो इसके ऊपर अभी प्रैक्टिस चलेगी कैसे चलाना है। वैसे इसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इससे जो है व्लॉग करना भी थोड़ा ऐसा लगता है, थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है। इसमें जो मज़ा है, एक बार जब इसकी आदत लग जाएगी तो फिर इस चीज़ को हम हटा देंगे। ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टाइम तक ऐसे शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि थोड़ी देर पकड़ाऊँ तो वज़न इतना है कि ज़्यादा टाइम तक ऐसे रखूँगा तो हाथ दुखने लगेगा। तो इसके लिए पहले इसको प्रैक्टिस करूँगा 10-12 दिन, फिर जब तक लॉकडाउन ख़त्म होता है तो फिर माइक मंगाया जाएगा, माइक फिट होगा, फिर इसके बाद में उसको हम शूट करेंगे, फिर हम भी इस तरीके से ये इस तरीके से व्लॉग करने भी एक स्वैग है भाई। देखो तो ये है हमारा कैनन DSLR। कम से कम आधे एक घंटे से मैं उसको इस तरीके से पकड़ के घूम रहा हूँ, मेरे को बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और DSLR से व्लॉग करने का मज़ा ही कुछ अलग रहेगा। इसको जब मैं ऐसे बाहर लेके जब ऐसे व्लॉग करूँगा फील जो आ रही है वो अलग ही आ रही है भाई। जो फील ये DSLR में आती है, वैसे भी इसमें भी फील आती थी, ये ऐसे ही जब याद आ गया तो हम निकाल लिए उसको व्लॉग करने के लिए। लेकिन माइक आने दो, फिर इसके बाद में देखते हैं कैसा भी रहेगा। अभी मेरा हाथ बहुत दुख रहा है। ये देख रहे हो बाल, ये है बाल का हुलिया, बाहर जा नहीं सकता कटाने को और ये इतना ज़रूरी भी नहीं है कि जाके मैं बाहर कटा गया हूँ। तो इसके लिए जो है घर के अंदर ही आज मैं काटने वाला हूँ, देखते हैं कैसा कटता है।
कुछ अलग लग रहा है। ये देखो, एक से साइड एक ये साइड, ये साइड का जो कटिंग है वो मैंने किया है और दूसरी साइड का जो कटिंग है वो मेरी वाइफ की है। ये देखो क्या गड़बड़। कटिंग अच्छे से करने वाला था लेकिन हुआ है, अच्छे से हुआ है, खाली जो है थोड़ा वाइफ जो है मेरा कटिंग थोड़ा खराब कर दी ये साइड का। मेरे को हंसी इसके लिए इतना ज्यादा आ रही है क्योंकि कैमरे के पीछे मेरी वाइफ खड़ी होकर मेरे को घूर रही है। चलो कोई नहीं, फिर भी अच्छा खासा हो गया है, ठीक ठाक। ऊपर का बाल मैंने जो है कट किया नहीं है, वैसे ऊपर का भी कट करना था लेकिन ये साइड का थोड़ा गड़बड़ होने की वजह से जो है मैं काम यहीं पे रोक दिया। बाकी ये साइड का थोड़ा क्लियर है, ये साइड का भी एकदम क्लियर है। अब क्या है, साइड का बाल थोड़ा ज़्यादा बढ़ने की वजह से मैं ये रिस्क लिया हूँ और अच्छा भी लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। आपको ये हेयर कटिंग अगर अच्छा लगा होगा तो आप भी घर में ट्राई कर सकते हो। लॉकडाउन है, कुछ गड़बड़ हुआ तो भी वांदा नहीं है, क्या अपने घर की खेती है, कभी भी चाहे उगा लो, कभी भी कैसे भी काट दो। ज़्यादा अगर अलग कट गया होगा तो टकलाई कर लेना, मैं भी वही सोच के रखा था, ज़्यादा अगर गड़बड़ होता तो टकला बना देता, लेकिन अच्छा कट गया। और रमज़ान जो है एकदम नज़दीक है और फर्स्ट टाइम ऐसा होगा रमज़ान में पूरा दिन घर में रहूँगा, तो देखते हैं अभी कैसा जाता है रमज़ान, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो बस वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और मिलूँगा आपको अब मैं रमज़ान में। रमज़ान के पहले दिन में पहला व्लॉग आएगा, मतलब पहला दिन पहला व्लॉग करूंगा और आपको वीडियो जो आएगा दूसरे दिन आएगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही है। तो अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। बस। और एक और बात बताना रह गया था, वो है रमज़ान में जो है 3:30 बजे, मतलब सुबह के टाइम पे 3:30 से 12 बजे तक दुकानें खुली रहेगी। तो आपको जो भी सामान लगेगा, घर के सामान जो भी लेना है, आप 3:30 से 12 बजे तक ले लें क्योंकि 12 के बाद में दुकानें खुली नहीं रहेगी। तो बस यही बताना था।